Namaste dear students and welcome to French tutorial. So today in this lecture we are gonna see the current ongoing political crisis in Maldives. So as you can see on the posters, Free Chief Justice Abdullah Saeed, Free Justice Ali Hamid, Free President Maumoon. तो कहीं ना कहीं इनको गैर कानूनी रूप से इम्प्रिजन करा गया होगा और इनके समर्थकों के द्वारा इनको रिलीज़ करने की मांग की जा रही है. जाहिर है 30 सालों के तानाशाही के बाद आखिरकार 2009 में पहली बार मालदीव में चुनाव हुए और 2008 में पहली बार चुनाव हुए और 2009 में पहली बार लोकतांत्रिक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद नशीद सामने आए. लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में 2013 में उन्हें पद से हटा दिया गया और एक विवादित चुनाव में अब्दुल्ला यामीन, जो कि वर्तमान मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, की जीत हुई और वर्तमान राष्ट्रपति भी अब्दुल्ला यामीन ही हैं. स्थिति यही नहीं रुकती. पिछले वर्ष जुलाई 2017 में भी स्पीकर के इम्पीचमेंट को लेकर मालदीव चर्चा में रहा और स्थिति इसके बाद और ख़राब तब हो जाती है जब गयूम के पुत्र फारिक को जेल भेज दिया जाता है. तो आखिरकार इस बार मालदीव में पॉलिटिकल क्राइसिस होने की क्या वजह थी, डिटेल में इसको समझेंगे. इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं, दिस इज़ पंकज कुमार. तो पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने से पहले कुछ की पर्सन्स हैं मालदीव्स के जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए. अब्दुल्ला यामीन साहब, जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं मालदीव के, इससे पूर्व राष्ट्रपति थे मालदीव के, वो है मोहम्मद नशीद साहब. उससे पहले थे प्रेसिडेंट और हाफ ब्रदर अब्दुल्ला यामीन के, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं मालदीव के, मौमून अब्दुल गयूम साहब. चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद, जज अली हमीद, जैसा कि हमने पोस्टर्स में देखा. तो आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ये है वर्तमान प्रेसिडेंट मालदीव के अब्दुल्ला यामीन साहब, नशीद साहब उनके साथ में, और सबसे दाहिनी तरफ हैं गयूम साहब, जिन्होंने 30 वर्षों तक भारत की, मालदीव की माफ़ कीजिएगा, नुमाइंदगी करी. तो अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए मालदीव की, तो इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है और इसकी लोकेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है भारत के लिए भी और जितने भी सुपर पावर्स हैं उनके लिए भी. खास करके यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, क्योंकि अगर चाइना का दबदबा मालदीव पे बढ़ जाता है तो पूरे इंडियन ओशन में एक सर्विलेंस की तरह वो काम कर सकता है. क्योंकि मैरीटाइम सिल्क रूट के रास्ते में मालदीव भी आता है और बांग्लादेश के साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं चाइना के, श्रीलंका के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. जैसा कि आप ने न्यूज़ में देखा ही होगा, हम्बनतोता पोर्ट जो है वो चाइना ने लीज पर ले रखा है. और क्योंकि बांग्लादेश के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो बे ऑफ बंगाल, और क्योंकि मालदीव और श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो पूरा इंडियन ओशन, और क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं तो अरेबियन ओशन में. तो आप देख सकते हो कि ये पूरा एरिया जो है इसमें एक सर्विलेंस के रूप में काम कर सकता है चाइना. तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मालदीव के साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हों, क्योंकि अगर मालदीव के साथ इसके अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं तो इंडियन ओशन में जो अपने वर्चस्व की बात करता है भारत, अपनी सॉवरेनिटी की बात करता है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आएगा. क्योंकि चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं वर्तमान में, अगर बात की जाए मालदीव के साथ, चाहे बात की जाए श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, या फिर पाकिस्तान के साथ. तो ज्योग्राफिकल लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए. तो इसके लिए अगर मालदीव में कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं या फिर किसी भी तरीके के अगर वहाँ पे कोई क्राइसिस होते हैं, तो भारत को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे दिखाना चाहिए. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड दिस टाइम इन मालदीव. In an unexpected move last week, the Maldives Supreme Court ordered the release of several imprisoned opposition lawmakers, ruling that their trials were politically motivated. तो बात है February 1, 2018 की, जब एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा बहुत से imprisoned opposition lawmakers जो थे उनको रिलीज करने की बात की गई और जजमेंट में ये कहा गया कि इनके जो ट्रायल्स थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे. अब इसके रिस्पांस में प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन के क्या रिएक्शन था. प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन रिफ्यूज टू कम्प्लाई विद द डिसीजन एंड इंस्टेड इम्पोज्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज
और आज तक वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगा। दिस अफोर्डेड हिम स्वीपिंग पास टू सेंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ माले ऑन मंडे। तो आपने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ पेपर्स में देखा ही होगा कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जमावड़ा है आपको वहाँ पे देखने को मिला था सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर। चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद एंड जज अली हमीद वर बोथ अरेस्टेड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द ट्यूजडे। लोकल पुलिस सेड वाया ट्विटर ऑल्दो चार्जेस वर नॉट स्पेसिफाइड। तो कुछ घंटे के भीतर ही इस जजमेंट के अब्दुल्ला सईद, जो कि चीफ जस्टिस है, और जज अली हमीद को अरेस्ट कर लिया गया। लोकल पुलिस का कहना है कि जो चार्जेस है उसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। देयर डिटेंशन वॉज सून फॉलोड बाय द अरेस्ट ऑफ यामीन एंड स्ट्रेंज हाफ ब्रदर फॉर्मर प्रेसिडेंट मामून अब्दुल गयूम, हु हैड रूल द कंट्री फॉर मोर देन 30 ईयर्स अंटिल अ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन 2008। तो आपने जैसे कि पोस्टर्स में देखा था, वहाँ पे डिमांड की जा रही थी कि चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद, जज अली हमीद और फॉर्मर प्रेसिडेंट गयूम की को रिलीज़ करा जाए। तो जैसे ही जजमेंट आया, उसके कुछ घंटों के ही भीतर इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया वहाँ की पुलिस के द्वारा। तो आखिरकार यही वहाँ पे क्राइसिस की वजह थी, और इस जजमेंट के बाद ही वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह वहाँ पे मुख्य क्या थी। अब इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिरकार मालदीव में हो क्या रहा है। गयूम, हु हैज साइडेड विद द अपोजिशन पार्टी सिंस लिविंग ऑफिस अ डेकेड अगो, हैज़ बीन अ वोकल क्रिटिक ऑफ करंट प्रेजिडेंट। He was succeeded by Mohammad Nasheed in 2009, who served during a brief period of multi-party democracy before being controversially ousted 5 years after taking office. तो गयूम साहब, जो कि opposition के पार्टी, जो opposition थी उसके साथ ही थे जब से इन्होंने सत्ता छोड़ा था, लेकिन वर्तमान के जो प्रेसिडेंट हैं नशीद साहब, माफ़ कीजिएगा, यामीन साहब, उनके वोकल क्रिटिक हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और आप इस तरीके से समझ सकते हो कि गयूम और वर्तमान राष्ट्रपति मालदीव के जो है यामीन साहब, इनके पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब पहली बार इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन 2008 में, और गयूम साहब की हार हुई, और नशीद साहब पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति मालदीव के बने, तब इन्होंने ओपोजिशन का हाथ पकड़ लिया गयूम साहब ने। लेकिन 2013 में जो इलेक्शन हुए, और जिसे कि काफ़ी विवादों के रूप में जाना जाता है, उस इलेक्शन में नशीद साहब की हार हुई, और वर्तमान यामीन साहब, अब्दुल्ला यामीन साहब राष्ट्रपति बनते हैं मालदीव के। तो जब यामीन साहब वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, तब तक तो गयूम साहब के रिलेशन उनके बहुत अच्छे थे। और अच्छे क्यों थे, आप देख सकते हो कि गयूम साहब की जो लड़की थी दुनिया, आई थिंक प्रोनंसिएशन में थोड़ा फ़र्क होगा, आई थिंक दिस इज़ दनिया, सो शी वॉज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द मालदीवियन गवर्नमेंट। लेकिन डिफरेंसेस कब इनके बीच में आ जाते हैं गयूम साहब और यामीन साहब के बीच में, 2017 में, मार्च 2017 की ये बात है, व्हेन गयूम ज्वाइन द यूनिफाइड कोएलिशन लॉन्च्ड बाय नशीद। तो यामीन साहब के अगेंस्ट में ओपोजिशन पार्टी ने एक मुहिम छेड़ा, जिसके लीडर थे नशीद साहब, और नशीद साहब के साथ में आ गए गयूम साहब, ठीक है। और इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे आप देखिए, एक इम्पीचमेंट का मामला आता है स्पीकर को लेके, और इसके बाद ही यामीन के एक ऑर्डर के थ्रू जो है अरेस्ट कर दिया जाता है गयूम के सुपुत्र फारिस गयूम को, और उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो इसके बाद जो है डिफरेंसेस जो हैं गयूम और यामीन के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है पिछले वर्ष से ही बनी हुई है, तो कुछ नई बात यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलनी थी। सो मूविंग फॉरवर्ड, यस, नशीद वॉज इंटरनेशनली रिकोगनाइज फॉर हिज एफर्ट इन एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मालदीव। हाउ एवर, ही वॉज इम्प्रिजन इन 2015 ऑन द टेररिज्म चार्जेस, बट विच हिज सपोर्टर्स सेज वर कंट्राइव।
तो नशीद साहब जो कि पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए राष्ट्रपति थे, उन्हें विश्व भर में इसके लिए जाना जाता है कि क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा था उन्होंने उठाया मालदीव में, कि क्लाइमेट चेंज नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज करके कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, और पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट से अपने आप को क्विट कर लेते हैं। बहरहाल, आफ्टर बीइंग अलाउड टू लीव प्रिजन अ ईयर लेटर अ मेडिकल ग्राउंड्स, नशीद वॉज ग्रांटेड अजाइलम इन ब्रिटेन। तो जैसे ही 2015 में इनको इम्प्रिजन करा जाता है, एक साल के बाद उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे ब्रिटेन में जाते हैं ये, और वहीं पे ये शरण ले लेते हैं। ही वॉज रिपोर्टेडली एक्सपेक्टेड टू चैलेंज यामीन इन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन लेटर दिस ईयर। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2018 में इस बार इलेक्शंस भी होने वाले हैं, लेकिन बिफोर द करंट पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ट्रिगर द इन स्विंग क्राइसिस। तो देखिए कितनी बड़ी ये पॉलिटिकल एक कॉन्स्पिरेसी है कि इस साल ही चुनाव होने वाले हैं, और जितने भी चुनाव के दावेदार जो हैं, जो कि चैलेंज कर सकते थे यामिन साहब को प्रेजेंट इलेक्शन में, तो जितने भी इनके जो कंटेस्टेंट्स थे उन पे चार्जेस किसी ना किसी तरीके के लगा दिए हैं, और कहीं ना कहीं कानून में ये बदलाव लेकर आया गया है कि जो भी आ, आ, जो कंटेस्टेंट हैं उन पे कोई किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो आप देख रहे हो कि कैसे एक कंस्पिरेसी की गई और सत्ता को बरकरार रखने के लिए अपने ही देश में क्राइसिस लेकर आना पड़ा। यहाँ पे एक बात और समझनी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि क्योंकि मालदीव की जो सारी जीडीपी है वो किस चीज़ पे चल रही है, ये चल रही है उनके टूरिज्म पे। 2017 में अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन टूरिस्ट जो थे यहाँ पे आए। सेकेंडली, अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात की जाए तो 2.7 बिलियन डॉलर 2016 में इन्होंने कमाए। तो आप देख सकते हो अगर इस तरीके के क्राइसिस होते हैं किसी भी कंट्री में तो उनको कितना लॉस होगा। मीनवाइल, यमीन हैज़ बीन इन पावर सिंस 2013 एज वी सी अर्लियर, फॉलोइंग अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन दैट हिज ओपोनेंट क्लेम्स वॉज अ रिग्ड। सिंस देन ही वॉज हैज़ बीन अक्यूज ऑफ जेलिंग क्रिटिक, क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट एंड अल्टीमेटली इरोडिंग द कंट्रीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप देख रहे हो जो भी क्रिटिक्स हैं उनको कहीं ना कहीं जेल भेज दिया जा रहा है, और जिस बात पे भी असहमति है उनकी उस पर विवाद बना हुआ है। एंड देन अल्टीमेटली जो डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस जो कि अपनाया था मालदीव ने, कहीं ना कहीं उससे दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं। हाउ हैज़ द वर्ल्ड रिएक्टेड? जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ने इसको कंडेम करा होगा। बोथ फॉर्मर लीडर्स ऑफ मालदीव्स नशीद एंड गयूम हैव कॉल्ड ऑन इंडिया टू फोर्स यमीन टू रिलीज द रिसेंटली जेल्ड हाईकोर्ट जजेस एंड पोलिटिकल प्रिजनर्स। सो एज यू कैन सी इन द ट्विटर, मोहम्मद नशीद जो कि इससे पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने ट्विटर पे यह शेयर करा, ऑन बिहाफ ऑफ मालदीवियन पीपल वी हम्बली रिक्वेस्ट इंडिया टू सेंड एनवॉय बैक बाय इट्स मिलिट्री टू रिलीज जजेस एंड पोलिटिकल डिटेनिज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट गयूम, वी रिक्वेस्ट अ फिजिकल प्रेजेंस। और दूसरी बात ये कहते हैं, द US टू स्टॉप ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ मालदीव्स रिजीम लीडर गोइंग टू US बैंक्स। तो अगर इस तरीके के स्टेटस में आपको देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मालदीव की सिचुएशन जो थी अच्छी नहीं थी, और मदद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे मालदीव के, भारत से और US से दोनों से मदद की गुहार की जा रही है। सो While intervention from New Delhi would certainly be unusual, it is not unprecedented. ये एक इससे पहले एक बहुत ही ऐसा कदम जो कि इससे पहले ना लिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमें मालूम है इंडिया सेंट ट्रुप्स टू द मालदीव्स इन 1988 टू फॉइल अ कूप। तो 1988 का ऑपरेशन कैक्टस आपको याद होगा। अलॉन्ग साइड द US एंड UK हैव बोथ यमीन टू ऑनर द रूल ऑफ लॉ एंड फ्री द डिटेनीज। तो भारत समेत US और UK सभी ने ये गुहार की है कि यामीन को रूल ऑफ लॉ का सम्मान करना चाहिए, और जितने भी बंदी बनाए हुए हैं उनको रिलीज करना चाहिए। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट यामीन हैज सिस्टमैटिकली अलाइनेटेड हिज कोएलिशन, जेल्ड और एग्जाइल एवरी मेजर ओपोजिशन पॉलिटिकल फिगर, डिप्राइव
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ देयर राइट टू रिप्रेजेंट देयर वोटर्स इन द लेजिस्लेचर रिवाइज लॉ टू इरोड ह्यूमन राइट्स एंड वीकन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा कहना है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का। मीनवाइल द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चीफ वॉन वेडनेसडे दैट यमीन स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्री विच हैड बीन यूज टू इम्प्रिजन परसीव पोलिटिकल ओपोनेंट वॉज अंडर माइनिंग द चेक एंड बैलेंस नेसेसरी इन एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। तो पूरे विश्व भर से, चाहे वो एक संगठन हो चाहे एक देश हो, सभी ने इसको कंडेम करा है। द सस्पेंशन ऑफ सेवरल फंक्शंस ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट एंड देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्रिएट अ डेंजरस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट जियद राद अली हसन सेड इन अ स्टेटमेंट। तो सभी ने, दुनिया भर से लोगों ने इसको कंडेम करा है, एज यू कैन सी हियर। तो देखिए, क्या मालदीव में पॉलिटिकल क्राइसिस इस साल ही आपको देखने को मिले? तो जी नहीं। लास्ट ईयर अगर देखा जाए, जुलाई 2017 की बात है, एक मामला था स्पीकर को इम्पीच करने को लेकर, जिसमें स्पीकर को इम्पीच करना था और जो ओपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट डालना ही था उन्होंने। लेकिन आप ये पोस्टर में देख सकते हो, यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर ही पुलिस की जो फोर्स थी वहाँ पे उनको तैनात किया गया, ताकि जो ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको अंदर ना दिया जाए। क्योंकि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था, आज ही के दिन जुलाई 24 की बात है ये, यहाँ पे पार्लियामेंट में पेश करना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे इनको अंदर नहीं जाने दिया गया, और जिससे कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो थे वहाँ पे उभर कर सामने आए। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे पुलिस ब्लॉक द रोड लीडिंग टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग इन माले मालदीव्स मंडे जुलाई 24, 2017। द मालदीवियन ओपोजिशन सेज दैट द मिलिट्री हैज लॉक डाउन पार्लियामेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ कंट्रीज प्रेसिडेंट इन अ बिड टू प्रिवेंट लॉ मेकर्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द वोट टू इम्पीच द पार्लियामेंट्री स्पीकर। तो और उसके बाद हुआ क्या कि स्थिति यही नहीं रुकती, और इसके बाद उनके पुत्र गयूम साहब के पुत्र को जेल कर दी जाती है, और उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस जो है और भी बढ़ जाती है मालदीव में। नाउ ये तो हमने देखा कि मालदीव में पॉलिटिकल क्राइसिस होने की क्या वजह थी, दुनिया ने इस पे कैसे रिएक्शन करा, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था। अब हम देखेंगे कि इंडिया और मालदीव के रिलेशंस कैसे हैं। सो India Maldives relations refers to bilateral relations between India and Maldives. Relations have been friendly and close in strategic, economic and military cooperation. India contributed to maintaining security on the island nation. As you can see ki 1988 mein Bharat ne Operation Cactus ke through kaise madad ki thi Maldives ke, inke beech bahut acche economic, strategic aur military cooperation jo hai inke beech mein aapko dekhne ko milta hai. And both nations established diplomatic relations after the independence of Maldives from British rule in 1966. तो 1966 के बाद जो है, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिशर्स थे, तो उसके बाद काफ़ी अच्छे रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन टू रिकोगनाइज मालदीव्स इंडिपेंडेंस। सिंस देन इंडिया एंड मालदीव हैव डेवलप क्लोज स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन। तो भारत उन देशों में से था जिसने सबसे पहले रिकोगनाइज किया मालदीव के इंडिपेंडेंस को, और उसके बाद से भारत और मालदीव के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशन बने, और ये रिलेशंस थे स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस। इंडिया एंड मालदीव साइंड अ कम्प्रीहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट इन 1981। बोथ नेशंस आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सार्क ऑल्सो द साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड सिग्नेटरीज टू द साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इंडिया एंड मालदीवियन लीडर्स हैव मेंटेनिंग हाई लेवल कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टेशन और रीजनल इश्यूज। तो यहाँ से एक स्थिति तो स्पष्ट है कि भारत और मालदीव के बीच में जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान अगर सिचुएशन की बात की जाए तो मालदीव की जो रिलेशंस जो है वो चाइना के साथ काफ़ी बेहतर हैं। नाउ ऑपरेशन कैक्टस क्या था? इन नवंबर 1988 स्पीड बोट्स कैरिंग 80 आर्म मिलिटेंट ऑफ द पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम लैंडेड इन मालदीव एंड अलॉन्ग विद अलाइज हु हैड इन्फिल्ट्रेट द कंट्री बिगेन टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट। तो 1988 में 80 लड़ाकुओं ने, जो कि ऐसा कहना है पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के ये लोग थे, और ये मालदीव में इन्होंने लैंड करा, और
कोशिश की कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपने कब्जे के अंदर ले लिया जाए। द प्लॉट प्लान इन श्रीलंका बाय द तमिल नेशनलिस्ट ग्रुप वॉज बिलीव टू बी एन अटेम्प्ट बाय द मालदीवियन बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस अपोज टू द रिजीम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव मोमुन अब्दुल गयूम टू गेन कंट्रोल वाइल द प्लॉट सॉट अ सेफ हेवन एंड बेस ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। तो कहीं ना कहीं इसमें हाथ था मालदीवियन बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियंस थे जो कि अब्दुल गयूम साहब के नेतृत्व के अगेंस्ट थे, और कहीं ना कहीं उनका इसमें हाथ था ऐसा दावा किया जाता है। द मिलिटेंट टुक कंट्रोल ऑफ द एयरपोर्ट इन माले द नेशनल कैपिटल बट फेल्ड टू कैप्चर द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मोमुन अब्दुल गयूम हु हैड फ्लेड एंड आस्क फॉर मिलिट्री एड फ्रॉम इंडिया ऑन नवंबर 3। तो सबसे पहले तो जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने एयरपोर्ट मालिक है उसको अपने अंडर ले लिया, और उसके बाद कैप्चर करने की कोशिश की गई प्रेसिडेंट गयूम को, लेकिन उसमें ये विफल रहे। इसके बचने के बाद ही मालदीव के उस समय के प्रेसिडेंट जो थे मोमून साहब ने रिक्वेस्ट करी भारत से कि इनकी मदद की जाए। पॉलिटिकल क्राइसिस जो यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल क्राइसिस बट यू कैन से कि इट इज़ अ मिलिट्री इंटरवेंशन, और एक ऐसे इन्फिल्ट्रेशन जो कि पूरे देश एक तख्तापलट, मतलब कि आप इनडायरेक्टली यू कैन से कि दिस इज़ अ कोप। ओके, सो मोमून अब्दुल गयूम हु हैड फ्लेड एंड आस्क फॉर मिलिट्री एड फ्रॉम इंडिया एज वी डिस्कस अर्लियर, द देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑर्डर 1600 ट्रूप्स टू एड द मालदीवियन गवर्नमेंट। तो 1600 ट्रूप्स के साथ जो भारत के सैनिक जो थे मालदीव में रवाना हुए इन अ मिलिट्री ऑपरेशन, कोड नेम इसका रखा गया ऑपरेशन कैक्टस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो दिस इज ऑपरेशन कैक्टस। इंडियन फोर्सेस अराइव विद इन 12 आवर्स ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर बींग फॉर ईड बींग मेड स्क्वैश्ड विद कोप अटैम्प्ट एंड अचीव फुल कंट्रोल ऑफ द कंट्री विद इन आवर्स। तो कुछ ही घंटों में स्थिति जो है उसको अपने नियंत्रण में ले लेती है भारतीय सेना। 19 प्लॉट मिलिटेंट वर किल्ड एंड वन इंडियन सोल्जर ऑल्सो वाउंडेड। इंडियस इंटरवेंशन वॉज इंडोर्स्ड बाय द नेशन सच एस यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स नेबर नेपाल एंड बांग्लादेश। प्रेसिडेंट रीगन कॉल्ड इंडियस एक्शन। सो ये है प्रेसिडेंट रोनल्ड रीगन जो कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, भारत के इस एक्शन को अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू रीजनल स्टेबिलिटी, एक स्टेटमेंट आया प्रेसिडेंट रोनल्ड रीगन के द्वारा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑपरेशन कैक्टस जो था वो भी 1988 में कैसे चलाया गया, जब 80 लड़ाकू मिलिटेंट्स ने कैसे हमला किया मालदीव पे और तख्तापलट करने की कोशिश की गई, और इसमें हाथ किसका था, वहीं के एक बिजनेसमैन एक पॉलिटिशियंस का ऐसा दावा किया जाता है, और तख्तापलट करने की कोशिश की गई, और भारत से मदद की गुहार लगाने के बाद भारत ने इमिजिएटली इस पर रिएक्शन दिया और 1600 दल का एक सैनिक का गुट भेजा यहाँ गया, और ऑपरेशन कैक्टस इसको नाम दिया गया। विद इन आवर्स भारतीय सैनिकों ने स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया, और इस तरीके से एक रीजनल स्टेबिलिटी बनाने में भारत कामयाब रहा, और पूरे विश्व भर से भारत को इस एक्शन के लिए सराहना मिली। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये स्थिति अब किस तरफ रुख करती है, और पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि मालदीव में है किस ओर अपना रुख लेती है। तो आखिरकार मालदीव के इस आंतरिक संकट से पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और विशेष रूप से भारत और चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।